डीजी माँ शारदी स्टूडियो कासगंज। हाँ तो भक्तों, माँ शारदी स्टूडियो कासगंज की तरफ से मैं कुमारी रीना यादव ग्राम बरखरिया डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद वालों की आवाज़ में ये आप लोगों के समझ मैं चुटकुला लेकर के चल रही हूँ, तो सुने। एक बार में कानपुर में कथा कह रही थी तो एक भैया पंडाल में उठकर खड़े हो गए और बोले मुझसे, कहने लगे, शास्त्री जी मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन जैसी लड़की मैं चाहता हूँ वैसी लड़की मुझे नहीं मिल रही है, यदि आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो हमें बताएं जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके। तो मैंने उन भैया से एक बात कही, मैंने कहा है, सुनो भैया, माँ शारदी स्टूडियो कासगंज, तुम कैसी लड़की चाहते हो एक बार हमें बतलाई दियो, उसमें क्या क्या गुण हो भैया इतना हमें को समझाई दियो। सुनो भैया, आप कैसी लड़की चाह रहे हो, तुम कैसी लड़की चाहते हो एक बार हमें बतलाई दियो, उसमें क्या क्या गुण होए भैया इतनो हम को समझाई दियो। हमने उन भैया से कहा, आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हो उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, जो तुम्हें लड़की नहीं मिल रही है। तो वो भैया कहने लगे कि सुनो शास्त्री जी, आवाज सुपर होई बीवी की और फिल्मी गाना गाती हो, नाचे तो दिल मेरा हिल जाए ऐसी वो कमर चलाती हो। भैया बोले हैं, सुनो दीदी जी, हमें कैसी लड़की चाहिए, आवाज सुपर होई बीवी की और फिल्मी गाना गाती हो, नाचे तो दिल मेरा हिल जाए ऐसी वो कमर चलाती हो। और क्या बोले भैया, सुनो, और जीवन भर बातें करे मधुर, पिक्चर जाऊं तो संग जाई, कहूं चुप हो जा तो चुप हो वे, कहूं बात करे तो बतलावे। जब हमने उन भैया से कहा, आप हमें उस लड़की की विशेषता बताओ जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो उन भैया ने कहा, फिल्मी गाना गाने वाली हो, नाचने में कमर चलाने वाली हो, और सुनो,
पिक्चर देखने जाऊं या पिकनिक को जाऊं तो मेरे संग जाए और मैं उसे कहूं चुप हो जा तो एकदम बोलना बंद हो जाए, और बात करने के लिए कहूं तो एकदम बोलना शुरू हो जाए। तो मैंने विचार किया और उन भैया से कहा, आप ऐसी बीवी चाहते हैं जो आपके इशारों पे काम करे। तो मैंने कहा, बीवी तो मेरी तलाश में है, आप जैसे चलाओगे वैसे चलेगी। अब आप एक काम करो, जितने भाई बहन पांडाल में बैठे हैं इन सब का पहले मुंह मीठा कराओ, फिर तुम्हें आज ही बीवी दिलवा देते हैं। वो भैया एकदम बाजार में गए और मिठाई ले आए और खुशी के मारे सबका मुंह मीठा करा दिया। आज मुझे मेरे मन की बीवी मिलने वाली है। अब मैं उन भैया के लिए बीवी की व्यवस्था करने जा रही हूँ। यदि आप लोगों को हमारे भैया की बीवी पसंद आए तो एक बार ताली अवश्य बजा देना। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। भैया तुम मानो बात मेरी, बीवी के सपने छोड़ दियो, बीवी की जगह पर तुम भैया एक टीवी जाई खरीद लियो। तो मैंने कहा है, सुनो भैया, भैया तुम मानो बात मेरी, बीबी के सपने छोड़ दियो, बीबी की जगह पर तुम भैया एक टीवी जाई खरीद लियो। भैया आपको बीबी की नहीं टीवी की जरूरत है, आप बाजार जाओ और बीवी की जगह पर एक टीवी ले आओ। जब चाहोगे तब बोलना शुरू हो जाएगी और जब चाहोगे तब बोलना बंद हो जाएगी।